हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो मैंने कहा गाइज कि अगर आज शोरूम आए हैं तो आज इस हफ्ते पूरी शोरूम सीरीज़ के वीडियोस चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और मज़ेदार चीज़ आप लोग को दिखाऊं, स्पेशली फॉर राइड। तो राइड पे जाते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत लोग दिखाएंगे, ये पैनियर्स लगा लीजिए, ये फॉग लाइट्स लगा लीजिए, ये लाइट्स लगा लीजिए, ये फलाना ये धमाका लगा लीजिए। तो राइड पे जाते टाइम बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना कोई दिखाता है ना कोई बताता है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में करेंगे उसी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पेशे खिदमत है आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैग फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड। क्या है ये बैग, मतलब बड़ा सिंपल सा देखने में लग रहा है, कुछ है नहीं इसमें। तो पहले तो आपको बता देता हूँ ये बैग है क्या। इस बैग को कहते हैं हाइड्रेशन बैग। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है ये कि ये इधर से बंद कर लिया, ये इधर से बंद कर लिया और आगे से इस बैग को कुछ यूं बंद कर लिया, ठीक है जी। और उसके बाद आप चल रहे हो राइड पे, यानी कि एक्टिवली बाइक चला रहे हो, लंबी राइड है, दूर जा रहे हो और लगी है प्यास, तो करना कुछ नहीं है, चलती बाइक पे ही इसको खोलना है, मुंह में लगाना है, पानी पी लेना है। इसकी सेटिंग अभी देखे, ये देखे, ये देखे, पाइप बहुत लंबा है, कोई लंबा बंदा हो तो यहाँ तक भी चला जाएगा। तो ये हेलमेट के ऊपर से आप इससे पी सकते हो, स्पिल प्रूफ होता है, जब तक आप खींचोगे नहीं तब तक ये जाएगा नहीं। और जस्ट टू इंश्योर कि कुछ गंदा ना हो तो इसके ऊपर कवर आता है जो आप सिंपली एक हाथ से चलती बाइक पे खोल सकते हो, पी सकते हो, पीने के बाद लॉक कर सकते हो और आगे चलते रह सकते हो। तो ये है वो बैग जिसे कहते हैं हाइड्रेशन बैग। तो पहले तो इसकी कुछ खासियत को देख लेते हैं। तो ये देखो, तो ये बैग देखने में कुछ इस तरीके का होता है, वाटर रेजिस्टेंट बैग है, तो यानी कि वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन जब अंदर भी पानी और बाहर भी पानी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरे भाई। तो कुछ इस तरीके की पॉकेट्स आ जाती हैं यहाँ पे, इसमें एक पॉकेट आगे आ जाती है जिसमें आप यहाँ पे कुछ अपना सामान, ये कंपार्टमेंट जो है ना, ये वाला, ये आपका कम्प्लीटली वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट होता है। ये आप चाहें तो इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा पास आएंगे तो देख पाएंगे कि ये देखिए, ये कम्प्लीटली एक वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आप अपना कैश वगैरह, अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं और इसे यहाँ से बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया हुआ है कंपार्टमेंट जिसमें आप अपना सेलफोन वगैरह अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सेलफोन वगैरह आप रख सकते हैं और थोड़ा बहुत सामान भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। अब जो मेन मज़ा है ना इसका, वो है इसका सेकेंड कंपार्टमेंट जो कि है ये। तो अगर आप इस कंपार्टमेंट को देखें तो अभी तो इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था, ये इसके बैग्स वगैरह जो रॉयल एनफील्ड से आए थे वो रखे थे। इसके अंदर है वो एक्चुअल प्रोडक्ट जो आपके काम आता है, ये देखिए। अब आप ज़रा देख के समझने की कोशिश कीजिए, पहली चीज़ तो ये कि इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है। वैसे आने को तो यार और भी बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ भगवान के लिए चलती राइड पे ऐसी किसी चीज़ का सेवन मत कीजिएगा जो आपके लिए नुकसानदेह हो। हाँ, अगर आप में से कोई मोटो वर्स गया होगा ना, तो इस साल आपको बहुत सारे राइडर ये बैग लटका के इसमें किसी और चीज़ का सेवन करते हुए मिले होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन मिला था। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बैग खुल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर 2 लीटर इसके अंदर पानी आता है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इस बैग के बारे में कि ये देखिए, इसमें जो कनेक्शन है ना इस पाइप का, ये बिल्कुल नीचे से लास्ट में होता है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हो, आप चाहो तो ये पाइप भी यहाँ से इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जिससे कि अब ये देखिए, ये बैग निकल गया, आपने धो लिया इसको अच्छे से, इसके अंदर आप पानी भर सकते हो, 2 लीटर प्रॉपर पानी आएगा इसके अंदर।
भरने के बाद आपने इस बैग को ऐसे बंद किया और ऐसे करके आप सील कर दीजिए। अब क्योंकि इसमें कैपिलरी बेस्ड एक्शन है जो मैंने आपको बताया था, तो अगर आप इस बैग में पानी भर के बैग को ऐसे भी लटका देंगे तो इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये कैपिलरी बेस्ड एक्शन पे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, यानी कि सक्शन बेस्ड है ये। जब तक आप सक नहीं करोगे तब तक इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। तो ये बैग है, प्रॉपर कायदे का बैग है, और इसमें मान लीजिए आप गर्मियों में, तो ये भाई साहब जन्नत है। अभी पीछे आपने देखा था पुष्कर की राइड करी थी हमने, तो हमारे साथ अर्जुन भाई थे जो कॉन्टिनेंटल जीटी पे जो चला रहे थे, उनके पास ये बैग देखा था मैंने। तो मुझे लगा था कि ये उस टाइम अगर मेरे पास भी होता, क्योंकि भाई हर आधे घंटे पे मुझे लग रहा था 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे चलाएंगे, और मुझे बाइक रोकनी पड़ रही थी हर थोड़ी देर पे। लेकिन अर्जुन भाई तो अपना चालू थे, इससे एक हाथ से ये खोला, मुंह में लगाया, पिया और बंद किया, और उन्होंने कहा जय श्री राम, चलते रहो। लेकिन मैं नहीं चल पा रहा था, मुझे बाइक रोकनी पड़ रही थी और प्यास लग रही थी। और एक बेनिफिट इसका और है कि पानी एक बार में 2 लीटर आ जाता है, तो यानी कि आपने 2 ठंडी पानी की बोतल ली, इसके अंदर डाली, और जो बोतलें बची उनको वहीं डस्टबिन में डाल दे, यानी कि एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं हम बेनिफिट कर रहे हैं कचरा ना फैला के। उसके बाद यहाँ से ये कैपिलरी बेस्ड एक्शन में आपने ये बंद कर दिया, और उसके बाद इसको वापस, ये देखिए इसका पूरा प्रॉपर एक ये देखिए यहाँ पे ये ज़िपर है, इसके अंदर आपने इसको प्रॉपर बंद कर दिया। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर बंद कर दिया, और ये फूल जाता है थोड़ा सा, और इसको आपने यहाँ से कर दिया बंद। तो अभी अगर आपके पास पानी है बॉटल में आपने लिया है, तो अभी आपको 2 लीटर पूरा पीना है, या 1 लीटर की बॉटल लिए तो पूरी पीनी है, क्योंकि चलती बाइक पे तो फिर बैग में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा कि ये गर्म नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर जैसा है वैसा ही बना रहेगा, और 8 घंटे तक बना रहेगा, यानी 8 घंटे तक पानी ठंडा बना रहेगा। और सर्दियों में चल रहे हैं, गर्म पानी रख लिया तो वो भी वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि ये इंसुलेटेड है चारों तरफ से, और ऊपर से लॉक कर लीजिए। और ये आपको एक तरीके से अगर आप देखें तो, क्योंकि ये देखिए पीछे इसमें ये देखिए पैडिंग्स वगैरह भी लगी हैं, मैश वगैरह लगे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैश है, एयर को जाने के लिए स्पेस दिया है। तो अगर आप इसको पहने हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो बॉस ये आपको परेशान नहीं करने वाला है। और ये जो है पाइप, ये तो आपका अपना है, तो आप इसको जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। ये रखा हुआ है आपने, ये आपका बंद है, और जी चलते रहो आप। तो अब इसका लुक देख लो पीछे से कैसा आता है। तो लुक की अगर पीछे से देखो तो लुक भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मतलब एक जिसे कहते हैं ना बेनिफिट, वो ये है कि 2 लीटर पानी अपने साथ में जिधर जाओ उधर ले जाओ। और ये जो पाइप्स वगैरह है ना, ये ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन आप यूज़ करोगे और टूट जाएंगे, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। और मैंने अपने फ्रेंड्स को जो मेरे साथ यूज़ कर रहे हैं, मैंने उनको यूज़ करते हुए करीबन 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ उन्हें यूज़ करते हुए। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आपको राइड पे जाते हैं या रोज़मर्रा में भी चलते हैं तो ये आपको लेना चाहिए। रीज़न बीइंग, पानी बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रेशन के लिए, चाहे वो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। तो और अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने इस हाइड्रेशन बैग को प्राइस किया है ₹3,600, 3,600 रुपये में इसको प्राइस किया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिलता है डीलरशिप्स पे, बहुत कम दिखता है, तो आज दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसका एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये हाइड्रेशन बैग है, और इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं सुमित का नंबर ये देखिए नीचे भी फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, तो आप कॉल कर सकते हो सुमित को और ये बैग अपने लिए बुक कर सकते हो, आपके घर तक डिलीवर सुमित करवा देगा। बस ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैग्स एक साथ 100-200 तो वो मंगाते नहीं हैं, 2 बैग 4 बैग होते हैं, मान लीजिए 10-20 लोगों के भी ऑर्डर आते हैं, तो इसे कंपनी में री जा कर के दोबारा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये बैग आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो एक और रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ जब भी आप किसी को कॉल करते हो या मैसेज करते हो मेरे दिए हुए नंबर्स में, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली उनके टाइम को भी
रिस्पेक्ट करा करो। रीज़न बीइंग कि मैंने शिवम के साथ भी देखा है कि आप लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह उसे कॉल करते हो या मैसेज करते हो, तो प्लीज़ यार गाइस थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कर लो। वो लोग भी इंसान हैं, पूरे दिन काम करके घर जाते हैं तो सोना उनको भी होता है। तो एनीवेज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैग बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इंसुलेशन मिल जाता है और सबसे अच्छी बात कि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखेगा। तो अगर आपको ये बैग पसंद आता है, आप इसको परचेज करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट सुमित ऑन द बिलो गिवन नंबर। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।